डाक में मैं एक अपना एसएमएस पढ़ना चाहता हूं जो मुझे एक बच्ची ने किया है। जी जी। एक बच्ची है इकरा अफजाल, वो मरी की रहने वाली बेटी है और उसने बताया है कि अजीजी साहब आप मनफी तनकीद ही करते रहते हैं। मैंने फिर उसको वैसे मैसेज किया बल्कि फोन भी किया कि पुत्र तो अच्छी बात का बड़ा जिक्र करते हैं, तो उसने कहा कि मेरी तरफ से ये जरूर अपने प्रोग्राम में शामिल करें कि मैं एक कैंसर की मरीजा थी, उस बच्ची को कैंसर हो गया था। तो कहती है मैं बिल्कुल ही नाउम्मीद हो गई थी, चूंकि को 30 लाख रुपया मुझे डॉक्टरों ने मेरा इलाज का खर्चा बताया था। अच्छा। तो कहती है मैं जब बिल्कुल मायूस हो गई तो मैं अपने इलाके के एमपीए जो हमारे अब सबाई वजीर भी हैं राजा इशफाक सरवर साहब मरी वाले, हाँ मरी वाले, कहती है जी मेरे इलाके के वो एमपीए थे, मैंने कहीं से नंबर उनका मुझे मिल गया तो मैंने उनको मैसेज कर दिया कि मैं कैंसर की मरीज और 30 लाख रुपया ना होने की वजह से मैं मौत की तरफ जा रही हूँ। तो कहती है कि राजा साहब को मेरा वाल वाल दुआएं देता है कि उन्होंने मेरे एक मैसेज के ऊपर ऐसा एक्शन लिया है कि मेरा इलाज भी करा दिया, दौड़े लगा दी, पूरी मशीनरी हिला दी, लोग बच्चे उनके जो बंदे थे वो पहुंच गए मेरे पास और इस वक्त मैं माशाल्लाह माशाल्लाह इलाज के बाद तंदुरुस्त। और उस बच्ची ने ये भी बताया कि मेरी इन्होंने इखलाकी भी बड़ी मदद की, मुझे अस्पताल में बकायदा देखने के लिए भी आते रहे और जो गवर्नमेंट की तरफ से लैपटॉप तकसीम हुए हैं वो लैपटॉप भी मुझे इन्होंने अस्पताल पहुंचाया। और जजाकल्ला जजाकल्ला राजा इशफाक सरवर साहब को, अल्लाह पाक बहुत जजा दे राजा साहब। वाह वाह। नहीं वैसे अपार्ट फ्रॉम दिस केस, मतलब मेरी अपनी इन्फॉर्मेशन भी ये है कि राजा साहब अपने इलाके से बहुत मोहब्बत करते हैं माशाल्लाह। नाज़रीन यहां में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा।